हेलो गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल्स चैप्टर 6 का, क्लास 10th का है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम ये देखें कि क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, यानी कि रोम्बस के सभी साइड के स्क्वायर का सम बराबर होगा उसके डायगनल्स के स्क्वायर के सम के। अभी शायद आपको नहीं समझ में आया हो, एक फिगर बनाते हैं। ये एक रोम्बस है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। अब इसके डायगनल्स को भी ज्वाइन कर दीजिए, डायगनल्स को भी ज्वाइन कर दिए, है ना, और यहां पे लिख दिए ओ। अब यहां पे ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोल रहा है क्या। अब सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन ये कह रहा था कि भाई एबीसीडी जो है ना, एबीसीडी इज अ रोम्बस, यानी कि एबीसीडी को ये कह रहा था कि ये रोम्बस है, बस इतना दिया गया था, ठीक। अब यहां पे जाहिर सी बात है कि एसी एंड बीडी जो है ये क्या है, एसी एंड बीडी आर डायगनल्स, डायगनल्स ऑफ रोम्बस, है ना। ये टू प्रूव क्या कर रहा था, कह रहा था कि इसके साइड के सम का स्क्वायर। अब साइड क्या है, जैसे ए बी है उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद से बी सी जो है उसका स्क्वायर, फिर सी डी जो है उसका स्क्वायर, फिर ए डी जो है उसका स्क्वायर। कह रहा था कि इसके जो साइड है उसके स्क्वायर का सम बराबर होगा किसके, इसके डायगनल, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसके डायगनल के स्क्वायर के सम के, ठीक। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। तो प्रूफ देखेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, डायगनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कह रहा है कि डायगनल रोम्बस के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कहां पर, 90 डिग्री पर, है ना। यानी ये सभी एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री का, तो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए ओ बी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब यहां पे देखेंगे जो ए बी है ये हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो यही हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का हम यूज किए हैं, है ना। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। फिर अब चलेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी में, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, बी ओ सी में यहां हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहां पे इस वाले ट्रायंगल में बी ओ सी की बात की है, 90 डिग्री के सामने हमेशा ही हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस को हम रख लिए उसका स्क्वायर, और ये बाकी बचे जो दोनों साइड का स्क्वायर है इन दोनों का स्क्वायर का सम कर दिए, क्योंकि यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके होंगे। इसके बाद से चलेंगे इन ट्रायंगल सी ओ डी में। सी ओ डी में क्या है, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। सेम जो अभी तक हम थ्योरम लगा रहे थे, यानी पाइथागोरस थ्योरम, सेम इसमें भी अप्लाई होगा। और अब चलेंगे इन ट्रायंगल डी ओ ए में, जिसमें हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा चौथा इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों ही इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों किए, क्योंकि हमें चाहिए था चारों ही साइड का स्क्वायर का सम। तो देखिए चारों ही साइड के स्क्वायर का सम हमको लेफ्ट साइड में मिल जा रहा है, तो लेफ्ट साइड में चलिए हम लिख लेते हैं क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस
बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर और प्लस एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड का तो जोड़ लिए, अब राइट हैंड साइड का भी जोड़ना है। अब देखेंगे एक OA है और एक OA, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2OA का स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देखिए यहां एक OB है और एक यहां पे, क्या हो जाएगा फिर 2OB का स्क्वायर प्लस। अब OC भी देख लीजिए, एक और OC दो, तो ये क्या हो जाएगा 2OC का स्क्वायर और प्लस। यहां पे आप देखिए OD और एक OD और, कितना हो जाएगा 2OD का स्क्वायर। ठीक, लेफ्ट साइड का सब सेम रहेगा, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा फिर सब 2 सब से हट जाएगा और बस जो अल्फाबेटिक जो साइड का नाम है वो बस रह जाएगा, है ना। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 2 तो कॉमन ले लिए, OA और OC दोनों ही इक्वल हैं, कैसे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही बोले हैं या और लिखे भी हैं कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब कि AO बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। ठीक है, तो OA और OC दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि भाई OA प्लस OB दोनों ही का स्क्वायर था, OC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं OA ही का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऐसे ही OD और OB बराबर हैं इसलिए OD के जगह पे भी हम OB का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट में OA और AA OA यानी कि 2OA का स्क्वायर प्लस 2OB का स्क्वायर। अब इन दोनों में से 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर 2 आएगा, तो 2 और वो जो 2 बाहर आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से ये ब्रेक हुआ है। देखिए ये पूरा AC एक लाइन थी और ओ इसका मिड पॉइंट था, यानी कि AO बराबर था OC के, तो AO को हम लिख सकते हैं कि भाई जो AO है ये AC का हाफ है, तो हम क्या लिखे, ये 4 को 4 ही लिखे, OA को हम लिखे AC by 2 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही OB जो है ये पूरा BD का हाफ है तो इसको लिखेंगे BD by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम 4, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर by 4 और प्लस BD का स्क्वायर by 4। ठीक है, अब इसके बाद से हम थोड़ा इरेज करेंगे क्योंकि थोड़े और स्पेस की जरूरत है। ठीक है, तो हम ये इरेज कर देते हैं कि क्या प्रूफ करना था, बस आपको लास्ट में हम याद दिला देंगे कि क्या प्रूफ करना था और क्या चीज है, 2 प्रूफ ऑलरेडी है यहां पे, है ना। अब यहां पे ये क्या है, 4 है, 4 ही लिखे, उसके बाद से ब्रैकेट है, इन दोनों को ही अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 और ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आप देख रहे होगे कि ये सारी चीजें आ रही हैं, सारी चीजें का मतलब कि चारों ही साइड का स्क्वायर, तो यही चीज हम इधर लिख देते हैं, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब यहां पे ये दोनों कट गया, ये क्या हो गया, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो प्रूव करना था वो अब आ चुका है। देखिए AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर CD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर AD का स्क्वायर, यानी कि चारों ही साइड के स्क्वायर का सम बराबर है इस रोम्बस के डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये आसान था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ना हो तो इसको रिपीट करके देखिएगा, और अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।